السلام عليكم، خبرداري بتشوف؟ Can you hear me? Okay, great. अच्छा, कल हमने ग्रुप्स और टीम्स का डिफरेंस स्टडी किया था. आज हम उसके ऊपर एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं. पास्ट पेपर्स में लाइक इन सितंबर 2015 एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन के अंदर, एंड द एग्जामिनर रिक्वायर्ड टू टेल दैट वेदर स्टेटमेंट दी गई थी और कहा गया था कि बताएं ये ग्रुप है या टीम है. आई गेस हमने कल ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि नहीं किया था. आई एम नॉट श्योर, डिड वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन यस्टरडे? नहीं किया था. ओके, सो लेट्स डू इट नाउ. ये सितंबर 15 का पेपर है, सितंबर 2015 का. क्वेश्चन आपको चार स्टेटमेंट दे रहा है और पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करें वेदर ये ग्रुप है या टीम है, और दो रीजंस भी बताएं अपने आंसर्स को सपोर्ट करने के लिए. यूनियन ऑफ क्लरिकल स्टाफ ऑफ रावी बैंक लिमिटेड हैज 1200 ब्रांचेज इन द बिग सिटीज. हाँ जी, ये ग्रुप है या टीम है, वो डिफरेंसेज याद रखिएगा जो कल आपको बताए थे. ये वाले डिफरेंसेज जो है ध्यान रखिएगा, और इन डिफरेंसेज की बेस पे ही आपने रीजनिंग करनी है कि ये ग्रुप है या टीम है. ग्रेट, इट्स अ ग्रुप. क्यों है? साइज बहुत बड़ा है, लार्जर इन साइज, और ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो दैट्स अ ग्रुप. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिंटैक्स शुगर मिल्स कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, केन ग्रोवर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स. हाँ जी, ये ग्रुप है या टीम है? नंबर टू, हाउ, एक्सप्लेन हाउ. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड है पूरा, और इसके अंदर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं गवर्नमेंट के, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट शेयर होल्डर्स. ये भी एक ग्रुप है ना, इसमें कोई पर्पस नहीं है, कोई टास्क स्पेसिफाई नहीं है नंबर वन. और नंबर टू, इसका बोर्ड ऑफ, बोर्ड का साइज जो है बहुत बड़ा होता है. बोर्ड कैन बी एज मेनी एज 20-30 मेंबर्स. इट्स अ ग्रुप, ठीक है, इट्स अ ग्रुप. ओके, इन्वेस्टिगेशन बॉडी ऑफ थ्री, वालेकुम अस्सलाम लारिब, थ्री ऑफिशियल्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इन टू द कॉज ऑफ अ मेजर ट्रेन एक्सीडेंट. हाँ जी, ये क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने, कोई मेजर ट्रेन एक्सीडेंट है उसके कॉज को एक्सप्लोर करने के लिए. दैट्स अ टीम, वेरी सिंपल. कंट्री एबीसी हैज नॉमिनेटेड थ्री इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन, रेनाउंड फुटबॉल कोच, एक्स कैप्टन ऑफ नेशनल टीम टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड यंग प्लेयर्स इन द कंट्री एंड प्रोवाइड देम ट्रेनिंग फॉर पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स. ये क्या है? ये भी टीम है. ग्रेट, ये क्वेश्चन था पेपर में, सितंबर 15 में आया था, ग्रुप्स एंड टीम्स को डिफरेंशिएट करना था. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सक्सेसफुल वर्क टीम. अच्छा, कल हमने ये मिस किया था, प्रोजेक्ट टीम क्या होती है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टीम्स आर प्रोजेक्ट टीम. प्रोजेक्ट टीम जो है वो किसी भी एक सर्टन टास्क को, एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए बनाई जाती है. प्रोजेक्ट टीम का पर्पज क्या होता है? आप किसी भी एक सर्टन टास्क को कंप्लीट करें. प्रोजेक्ट टीम इज क्रिएटेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, और वो फिर इसको आप डिसबैंड कर देते हैं एज सून एज द टास्क इज ओवर. टीम इज मेड ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल एरियाज. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब वो एक इंडिविजुअल मार्केटिंग से पिक करते हैं, एक प्रोडक्शन से पिक करते हैं, एक अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट से पिक करते हैं, और वो उनकी एक टीम बना देते हैं. दैट इज अ क्रॉस फंक्शनल टीम या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम. कुछ वर्क ग्रुप्स परमानेंट होते हैं, हमने कल डिस्कस किया था. वर्क ग्रुप्स आर मोर परमानेंट, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, एंड टीम्स आर टेम्पररी, दे सीजेस व्हेन द टास्क इज फिनिश्ड. ठीक है, तो प्रोजेक्ट टीम जो है वो खत्म हो जाती है, वर्क ग्रुप्स परमानेंट होते हैं. ठीक, ये भी एक डिफरेंस था, हमने कल डिस्कस किया था. दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सक्सेसफुल वर्क टीम के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सक्सेसफुल वर्क टीम? लंबी लिस्ट है. Some of the important characteristics of a successful work team. और इसके अंदर
ये बुलेट पॉइंट्स का आप एक एक कीवर्ड नोट डाउन कर लीजिए तो दैट वुड बी हेल्पफुल. फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल वर्क टीम, पहला जो कीवर्ड है दैट इज पर्पस. सक्सेसफुल वर्क टीम हैज अ पर्पस. फिर दूसरा कीवर्ड हो सकता है चेन ऑफ कमांड. सक्सेसफुल वर्क टीम के अंदर लाइन ऑफ अथॉरिटी बड़ी क्लियर होती है. तीसरा कीवर्ड हो सकता है लीडरशिप. सक्सेसफुल वर्क टीम में लीडरशिप बड़ी इफेक्टिव होती है. ठीक है, इन सक्सेसफुल वर्क टीम देयर इज इफेक्टिव लीडरशिप. इसी तरह सक्सेसफुल वर्क टीम के अंदर टाइम स्केल्स डिफाइंड होते हैं. टाइम स्केल जो है वो डिफाइन होती है. टाइम स्केल इज डिफाइंड फॉर द टास्क टू गेट कम्प्लीटेड. स्पेशली अगर वो प्रोजेक्ट टीम है तो प्रोजेक्ट टीम के टाइम स्केल्स बड़े क्लियर होते हैं. फिर इफेक्टिव वर्क टीम को हम रिसोर्सेज मुहैया करते हैं, रिसोर्स अवेलेबल करते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी. फिर इफेक्टिव वर्क टीम के अंदर बैलेंस ऑफ नेसेसरी स्किल्स पाए जाते हैं, बैलेंस ऑफ स्किल्स मौजूद होते हैं. एक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर मेंबर हर किस्म का स्किल परफॉर्म करे, हर किस्म का काम परफॉर्म करे, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखें तो कलेक्टिवली लाइक एवरी इंडिविजुअल डज नॉट नीड टू हैव ऑल द स्किल्स. हाउएवर कलेक्टिवली स्पीकिंग टीम मेंबर शुड हैव ऑल द रिक्वायर्ड स्किल्स. कलेक्टिवली सारे टीम मेंबर्स के पास सारे स्किल्स होने चाहिए. हाँ, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदे के पास सारे स्किल्स ना भी हों, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली देखें. इसी तरह अगला जो कीवर्ड है दैट इज मोटिवेशन एंड कमिटमेंट. इफेक्टिव टीम शुड बी मोटिवेटेड इनफ, मोटिवेशन होनी चाहिए. फिर अगला कीवर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव वर्क टीम या सक्सेसफुल वर्क टीम में इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. फिर अगला जो कीवर्ड है वो है इफेक्टिव वर्क टीम या सक्सेसफुल वर्क टीम के अंदर अप्रोप्रिएट टीम रोल्स होने चाहिए. टीम रोल्स अभी हम जाके पढ़ेंगे, अगला टॉपिक. हर टीम के अंदर दो किस्म के रोल्स पाए जाते हैं. एक होते हैं फंक्शनल या टेक्निकल रोल्स और एक होते हैं बिहेवियोरल रोल्स. फंक्शनल या टेक्निकल रोल्स तो आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. बिहेवियोरल रोल्स जिन्हें हम टीम रोल्स कहते हैं, दे एड इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ द वे इन विच द टीम फंक्शंस एज अ यूनिट. ये टीम की इफेक्टिवनेस भी है, जो हमने कल वर्ड डिस्कस किया था सिनर्जी. ये सिनर्जी में ऐड करते हैं, दे एड इन द सिनर्जी ऑफ द टीम. दिस देयर इट इज एडेड. तो हर टीम में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो दो किस्म के रोल्स प्ले करते हैं. वन कैटेगरी ऑफ द रोल्स आर देयर फंक्शनल रोल्स एंड द अदर कैटेगरी आर देयर बिहेवियोरल रोल्स. पहली कैटेगरी उनके फंक्शनल रोल्स होते हैं, दूसरी कैटेगरी उनके बिहेवियोरल रोल्स होते हैं. और बिहेवियर ये भी हम वो कहते हैं आगे टीम रोल्स अभी हम पढ़ते हैं जाके. फिर इफेक्टिव या सक्सेसफुल वर्क टीम के अंदर टीम वर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, लॉयल्टी होती है. टीम वर्क एंड लॉयल्टी, लॉयल्टी इज देयर. ठीक है ना. फिर सक्सेसफुल वर्क टीम जो है दे अचीव बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस, बेनिफिट्स को अचीव करती है बिजनेस के लिए. सो ऑल ऑफ दीज आर द सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल वर्क टीम. ये टोटल 10-11 पॉइंट्स हैं. नॉट ऑल ऑफ देम विल डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द पेपर. ये नहीं कहेगा एग्जामिनर के सारे बेनिफिट बता दें. हाँ, इनमें से 5-6 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है. एक बड़ा मशहूर मॉडल है, दो दफा आ चुका है पेपर में, बेलबिन के टीम रोल्स के ऊपर. बेलबिन ने टीम के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स को स्टडी किया था और बेलबिन ने कहा था कि एक टीम के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिफरेंट किस्म के बिहेवियोरल करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, जिसे हम टीम रोल कहते हैं. बेलबिन स्टडीड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन टीम्स एंड द टीम रोल दैट ईच इंडिविजुअल प्लेज. बेलबिन टीम रोल को कैसे डिफाइन करता है? बेलबिन कहता है कि टीम रोल जो है दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू बिहेव, कॉन्ट्रीब्यूट एंड इंटर रिलेट विद अदर्स इन अ पर्टिकुलर वे इन द टीम. टीम में एक इंडिविजुअल बिहेव कैसे करता है, कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करता है और इंटर रिलेट कैसे करता है दूसरों के साथ. हाउ डज एन इंडिविजुअल बिहेव, कॉन्ट्रीब्यूट और इंटर रिलेट विद अदर्स इन अ पर्टिकुलर वे, उसका टीम रोल कहलाता है. बेलबिन कहता है कि किसी भी टीम में एक बैलेंस ऑफ सर्टन बिहेवियोरल स्किल्स होना चाहिए. तो बेलबिन 9 टाइप्स ऑफ बिहेवियोरल करेक्टरिस्टिक्स जिसे वो टीम रोल्स कहता है आइडेंटिफाई करता है. एंड ही सेज दैट एवरी मेंबर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज स्किल्स और दीज बिहेवियर्स इन देम. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 9 रोल्स आपने एक टीम में आपको चाहिए तो टीम में 9 मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है.
without having nine members, it is possible कि आप nine types of roles को play करवा सकें. One individual can play multiple roles. An individual can have more than one behavioral characteristic. But one role cannot be played by multiple individuals. ये condition है. Effective या successful team के अंदर एक role, एक individual एक से ज़्यादा roles को play कर सकता है. लेकिन एक रोल एक से ज्यादा इंडिविजुअल से प्ले नहीं करवाया जा सकता, वरना कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे. अदरवाइज देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन ऑर्डर टू पजेस ऑल द नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव नाइन टीम मेंबर्स. विद फोर और फाइव टीम मेंबर्स दीज रोल्स कैन इक्वली बी परफॉर्म्ड. तो बेलमिन कहते हैं कि ये जो नौ रोल्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. पहला ग्रुप है डूइंग एक्टिंग. These are the roles which are concerned with practically executing something. When members are good at something, they see the needs what to be done, they do it or encourage others to do it. Executioners hote hain, execute karte hain. Doing acting ke jo roles hain, isme aap execute karte hain. Problem solving and thinking. Isme jo individuals ye wala jo role play karte hain is category mein, isme aapne sochna hota hai, problem solving karni hoti hai, dimag use karna hota hai. So these roles are concerned with problem solving and thinking. You have to confront difficult problem to come up with their solution. Aur teesra jo role hota hai, that is concern for people. In this role, the individuals have to show concern for people. Isme jo individuals ye wala role play karte hain ya is category mein jo roles exist karte hain wo play karte hain, they have to show the concern for people. Theek hai. So team is a group of individual acting together. So successful team members might have some skills जो उस टीम को इकट्ठा रखें, उस टीम को कंसोलिडेटेड रखें बाय शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, बाय हेल्पिंग अदर्स थ्रू कम्युनिकेशन, दूसरों को हेल्प करते हुए कम्युनिकेशन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू उनको इकट्ठा रखें. ये कंसर्न फॉर पीपल वाले रोल होते हैं. सो वी हैव थ्री रोल्स इन अ टीम टू बी प्लेड. हमारे पास टीम में प्ले करने के लिए तीन कैटेगरीज में रोल्स होते हैं, डूइंग एक्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड शोइंग कंसर्न फॉर पीपल. डूइंग एक्टिंग के अंदर आपका काम जो होता है दैट इज टू एग्जीक्यूट. प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका काम होता है टू थिंक. और शोइंग कंसर्न फॉर पीपल में आपका काम जो होता है मेनली दैट इज टू इम्प्रूव योर केयर फॉर द पीपल. ठीक है, ये नौ रोल्स हैं. अच्छा, हर रोल को डिस्कस करते हुए हमें तीन चीज़ें ढूंढनी हैं. वी हैव टू फिगर आउट थ्री थिंग्स व्हेन वी आर डिस्कसिंग ईच रोल. हमारे पास नौ रोल्स हैं और हमें इन नाइन रोल्स में तीन चीज़ों पे फोकस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई, इधर रोल है और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन में हमने तीन चीज़ें देखनी है. करेक्टरिस्टिक, उस इस रोल में जो टीम मेंबर है उसका काम क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस रोल की स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल, और इस रोल की वीकनेस क्या है. सो तीन चीजें हमने ढूंढनी है हर रोल के अंदर. वी हैव टू फाइंड आउट थ्री थिंग्स इन एवरी रोल. नंबर वन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रोल, नंबर टू द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल, एंड नंबर थ्री द वीकनेस ऑफ द रोल. ठीक है, ये तीन चीजें हमने इसमें फिगर आउट करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, पहला रोल है डूइंग एक्टिंग में इम्प्लीमेंटर. इम्प्लीमेंटर जो होता है इसका करेक्टरिस्टिक क्या होता है, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स, टेक्स बेसिक आइडिया एंड मेक्स देम वर्क इन प्रैक्टिस. दिस इज व्हाट इम्प्लीमेंटर डज. इम्प्लीमेंटर क्या करता है, टेक्स, ये पहला करेक्टरिस्टिक है, टेक्स बेसिक आइडिया एंड कन्वर्ट्स इट इनटू प्रैक्टिस. ठीक, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिडिक्टेबल पर्सन. ही इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ही इज अ प्रिडिक्टेबल पर्सन. ठीक है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिडिक्टेबल पर्सन. इसकी वीकनेस क्या है, ही कैन बी स्लो. ये इसकी वीकनेस है, ही कैन बी स्लो. इस तरह अगर आप बुलेट्स में डिटरमिन कर लेंगे, अगर आप बुलेट्स में आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो दैट वुड बी क्वाइट हेल्पफुल.
ठीक है जी, इस तरह फिर आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसी तरह फिर हमारे पास है इसके अंदर शेपर। शेपर का काम क्या है? शेपर क्या करता है? चैलेंज करता है अदर मेंबर्स को सो दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड टीम कैन प्रोग्रेस। शेपर चैलेंजेस अदर मेंबर्स सो दे कैन मूव फॉरवर्ड एंड टीम कैन प्रोग्रेस। चैलेंज अदर मेंबर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड मेक प्रोग्रेस। इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? पर्सन फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ एक्शन। एनर्जी एंड एक्शन इसकी स्ट्रेंथ है। इसकी वीकनेस क्या होती है? इनसेंसिटिविटी टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स ऑफ दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। ठीक है, आई वुड रिकमेंड कि आप बुक के ऊपर ही बेशक या अगर आप ये टेबल नोट करना चाहते हैं, मतलब ये टेबल आपके सामने इस तरह बिल्ड होता जा रहा है, या आप अगर चाहते हैं कि आप बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें तो हम इसके ऊपर इट कैन बी अ वेरी गुड हेल्प टू यू। और फिर पेपर में एग्जामिनर पूछता भी एग्जैक्टली इसी तरह से है। पेपर में एग्जामिनर पूछता भी इसी तरह से है कि स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तीसरा जो इसके अंदर एरिया है वो है कंप्लीटर एंड फिनिशर। थर्ड रोल इज कंप्लीटर एंड फिनिशर। कंप्लीटर का करेक्टरिस्टिक क्या है? कंप्लीटर क्या करता है? कंप्लीटर सॉर्ट्स आउट माइनर प्रॉब्लम्स एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। तो ये काम करता है कंप्यूटर, सॉर्ट्स आउट माइनर प्रॉब्लम्स एंड मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग वेल। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है? ही इज अ रिलायबल पर्सन। ही इज अ रिलायबल पर्सन। और वीकनेस क्या है? वरीज टू मच एंड डोंट ट्रस्ट अदर्स। ठीक है, बहुत ज्यादा फिक्रमंद होता है और दूसरों को ट्रस्ट नहीं करता। तो ये तीन रोल्स हो गए, इम्प्लीमेंटर, शेपर एंड कंप्लीटर। अगले तीन रोल्स जो हैं वो हैं इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग से। ठीक है, द नेक्स्ट थ्री रोल्स आर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। इसमें पहला रोल है प्लांट। प्लांट क्या करता है? प्लांट का काम होता है ही सॉल्व्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। प्लांट्स जो है वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। प्लांट की स्ट्रेंथ क्या होती है? थिंक्स एक्यूरेट एंड ही इज केयरफुल अबाउट इश्यूज। थिंक्स एक्यूरेट एंड इज केयरफुल अबाउट इश्यूज। ठीक, प्लांट की वीकनेस क्या होती है? लैक्स एनर्जी एंड एन एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। लैक्स एनर्जी एंड एबिलिटी टू इंस्पायर पीपल। ठीक है, ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक क्या है? मुश्किल मसाइल का सोल्यूशन निकालता है, एक्यूरेटली सोचता है, लेकिन एनर्जी इसमें मिसिंग होती है और दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाता। प्लांट के बाद है मॉनिटर इवैल्यूएटर। सॉरी मैं गलत लिख गया। ओके, आई एम सॉरी, आई जस्ट रोट डाउन मॉनिटर्स। ये है प्लांट। एग्जैक्टली, प्लांट मेरा ख्याल है मैंने वीकनेस और स्ट्रेंथ इसकी लिख दी है, ये अभी इसको आप अपडेट कर लें। प्लांट जो है ये, सॉरी दिस इज हाउ इट इज, प्लांट ओरिजिनल और क्रिएटिव आइडियाज लेके आता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? ब्रिंग्स ओरिजिनल एंड क्रिएटिव आइडियाज। और इसकी वीकनेस क्या है? पुअर कम्युनिकेटर एंड मे इग्नोर डिटेल्स। ये है पुअर कम्युनिकेटर एंड मे इग्नोर डिटेल्स। ठीक है, ये प्लांट है। प्लांट के बाद है मॉनिटर इवैल्यूएटर। मॉनिटर इवैल्यूएटर ये क्या करता है? व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनिटर इवैल्यूएटर? ही सीज द बिग पिक्चर। ही सीज द बिग पिक्चर। ब्रॉड पर्सपेक्टिव होता है इसका, विजन ब्रॉड होता है, बड़ी पिक्चर देखता है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है?
Thinks accurate and is careful about issues. Thinks accurate and is careful about issues. ठीक है. इसकी वीकनेस क्या है? Lacks energy and ability to inspire people. He lacks energy and ability to inspire people. ठीक है. ये इसकी वीकनेस है. इसके बाद है स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट जो है, he is basically not functional specialist, he is behavioral specialist. ये functional specialist नहीं है, ये behavioral specialist है. यहाँ पे difference है छोटा सा. Functional specialist वो होता है जो एक task को effectively execute करता है. Behavioral specialist वो होता है जो behaviors के issues को deal करता है. तो specialist जो है, इसका characteristics, इसका जो characteristic है वो है provide specialist knowledge in a given situation. ये इसका characteristic है. इसकी strength क्या है? Driven by pursuit of knowledge and information. इसके पास information और knowledge का ज़खीरा होता है. Driven by pursuit of knowledge and information. इसकी weakness क्या है? Expert in some key areas and will only solve problem in those areas. Interested in some key areas and disinterested in other areas or activities of the team. ठीक है. ये स्पेशलिस्ट है. ये इसकी खूबियां या उसकी प्रॉब्लम्स हैं. इसके बाद जो अगले तीन रोल हैं वो है कंसर्न फॉर पीपल वाले. इसमें पहला रोल है कोऑर्डिनेटर का. कोऑर्डिनेटर जो होता है, इसका टास्क क्या होता है? ये हेल्प्स एवरीवन टू फोकस ऑन देयर पर्टिकुलर टास्क. ही हेल्प्स एवरीवन टू फोकस ऑन पर्टिकुलर टास्क. इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? रिस्पेक्टेड बाय अदर्स. अगर लीडर ने कोई रोल एज्यूम करना हो टीम में, तो लीडर कोऑर्डिनेटर का रोल एज्यूम करता है. रिमेंबर, If a leader has to assume any role in a team, leader always assume coordinator role. क्योंकि लोग इसकी respect करते हैं. इसकी weakness क्या होती है? Wanting to control too much. Wanting to control too much. ये इसकी weakness होती है. इसके बाद है team worker. Team worker जो होता है, ये क्या करता है? What does team worker do? टीम वर्कर का करेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये work hard to resolve social problems between other team members. इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? Cares for individuals and a good listener. इसकी वीकनेस क्या होती है? May find hard to take difficult decisions. ठीक. दिस इज हिज वीकनेस. एंड देन वी हैव रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर. रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? एक्सप्लोर्स न्यू आइडियाज एंड पॉसिबिलिटीज With enthusiasm, explores new ideas with possibilities, ideas and possibilities. ये इसका काम है. इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? Good networker. इसकी वीकनेस क्या होती है? Over optimistic, lose energy after initial period of optimism. ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता है. मे लूजेस एनर्जी आफ्टर इनिशियल पीरियड ऑफ एंथुजियाज्म. ठीक है. शुरू शुरू में बहुत जोशीला होता है, उसके बाद एनर्जी जो है वो लूज कर जाता है.
So these are some of the characteristics and some of the strengths and weaknesses of the roles played by different members in a team. ये table note कर लिया आप लोगों ने? वैसे तो सर अब recording में भी आ जाएगा जब आप इसको review करेंगे. तो आप इसको अगर इस तरह से differentiate कर लें तो इससे आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, आप इससे आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है? And that could be very helpful. That could be very helpful. In terms of yeah, this is the end. ठीक है? Note it down if you want to. ओके ग्रेट, चलें ये हो गया बेलमैन का मॉडल. नन ऑफ द नाइन रोल्स आर बिलोंग टू लीडर, बट इफ एनी रोल इज टू बी अज्यूम्ड बाय द लीडर वो होगा कोऑर्डिनेटर का रोल. तो बेलमैन ने कहा था कि ये नौ के नौ रोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये नौ के नौ रोल्स जो हैं वो टीम में होने चाहिए. और इसका और अगर कोई एक आधा रोल भी मिसिंग हो टीम के अंदर और कोई एक आधा इसके अंदर पॉइंट मिसिंग हो तो दैट कुड बी ऑफ यू नो, फिर आप कोई क्या करते हैं नया मेंबर एक्वायर करते हैं या आप उसके अंदर नए लोग ले आते हैं. जी तो बेलमैन के मुताबिक ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. रोल्स ऊपर हैं, अब ये बेलमैन के मुताबिक टीम के इन रोल्स को यूज कैसे किया जाए, टीम के इन रोल्स को यूज कैसे किया जाए. तो बेलमैन के मुताबिक यू शुड अंडरस्टैंड द मेंबर्स एंड देयर रोल्स इन द टीम, वर्क टू देयर स्ट्रेंथ्स एंड मैनेज देयर वीकनेसेस. टीम मैनेजर मींस अ टीम लीडर कैन यूज आइडियाज ऑफ बेलमैन व्हेन डेवलपिंग अ टीम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन और टास्क. मैनेजर पहले असेस कर सकता है रोल या रोल्स को जो टीम मेंबर प्ले कर सकते हैं एंड देन लुक फॉर द रोल दैट द करंट टीम मेंबर्स कैन नॉट फुलफिल. फिर ये गैप फुलफिल किया जाता है बाय रिक्रूटिंग न्यू मेंबर्स टू द टीम और बाय एनकरेजिंग एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू फुलफिल द मिसिंग रोल. इसी तो इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर्स टीम के रिप्लेस करने भी पड़े तो आप जरूर करेंगे ताकि आप उसमें ये रोल्स जो हैं वो सारे के सारे ले आएं. बेलमैन का ये जो आइडिया है ये बड़ी आसानी से प्रैक्टिकली अप्लाई होता है. देर आर क्वेश्चनेयर्स जो कि डेवलप किए गए हैं जो कि असेसमेंट मुहैया कर देते हैं कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल रोल कौन सा है. देर आर क्वेश्चनेयर्स डेवलप्ड विच कैन ईजिली लेट द पीपल नो कि वो किस रोल में बेस्ट पॉसिबली फिट हो सकते हैं और कौन सा रोल वो बेस्ट पॉसिबली प्ले कर सकते हैं. ठीक है ना? तो बेलमैन का जो मॉडल है ये इसके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फिनोमेना है कि दे कैन आइडेंटिफाई दैट विच रोल कैन बी प्लेड बाय द इंडिविजुअल, विच रोल द इंडिविजुअल कैन अज्यूम. और आप क्वेश्चनेयर्स के थ्रू आप मेजर कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स को बेस्ट सूटेबल उनका रोल जो है वो कौन सा है. ठीक है? सो बेलमैन हैज गिवन अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट किसी भी टीम के अंदर ये नौ के नौ रोल्स अगर मौजूद होंगे तो टीम सक्सेसफुली काम करेगी, अदरवाइज टीम सक्सेसफुली काम नहीं करेगी. एनी क्वेश्चन ऑन बेलमैन? बेलमैन पे कोई सवाल? बेलमैन के ऊपर कोई क्वेश्चन? एनीथिंग? Thank you.
स्पेशलिस्ट का जो रोल है ना, दैट इज अ रोल इन विच बिहेवियोरल स्पेशलिज्म पाई जाती है. ये जो स्पेशलिस्ट का रोल प्ले करता है बंदा, ही इज ड्रिवन बाय परसूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बट दैट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इज यूज्ड टू सॉल्व बिहेवियोरल प्रॉब्लम्स रादर देन फंक्शनल प्रॉब्लम्स. लिखा हुआ ना, स्पेशलिस्ट का जो रोल है दैट इज अ बिहेवियोरल कैरेक्टरिस्टिक रादर देन फंक्शनल स्पेशलिज्म. ये बिहेवियोरल रोल है फंक्शनल रोल की बजाय. ठीक है, got it? ओके, चलें इंशाल्लाह फिर कल हम ब्रूस टकमैन का मॉडल स्टार्ट करेंगे, और कल टकमैन का मॉडल कंप्लीट करके देन वी विल मूव टू इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव टीम्स. ठीक है, इफेक्टिव टीम्स क्या होती हैं, इनइफेक्टिव टीम्स क्या होती हैं, ग्रुप कोहिजन क्या होती है, ये इंशाल्लाह. तो सैटरडे होपफुली हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे. अगले 3 दिन में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, एंड सैटरडे इज गोइंग टू बी द डे वेयर वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस चैप्टर. और देन वी विल लुक फॉरवर्ड टू द 10th चैप्टर. ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड? Mr. Nadeem is head of small firms of lawyers. All lawyers of firm respect Mr. Nadeem and obey the word of his mouth. हाँ जी, आप बताइए कौन सा कल्चर होगा. Are you sure? Person culture. Exactly. This is person culture. Existential culture. No, existential culture. देखें, गौर से पढ़ो ना. All colleague, यहाँ पे कहीं जिक्र आ रहा है कि वो अपनी पावर प्रैक्टिस कर रहा है. वो ये कह रहे हैं कि ऑल लॉयर्स ऑफ द फर्म उसके गिर्द घूमते हैं, पीपल रिवॉल्व अराउंड हिम. तो पर्सन कल्चर में यही होता है ना. नहीं, ये पर्सन कल्चर है. अगेन आई डोंट नो, ये नुमान ने सोल्यूशन मुझसे वेट नहीं करवाया इसका. आई डोंट नो, मैं इसको चेक कर लूंगा. कल भी एक क्वेरी अराइज हुई थी, वो भी मैंने अभी नुमान से बात करनी है. आई विल टॉक टू बोथ ऑफ दीज. ठीक, इट्स पर्सन कल्चर नॉट पावर कल्चर. ठीक, डिमांड ऑफ फास्ट फूड इज राइजिंग इन पाकिस्तान. ये सोशल फैक्टर है. डिमांड इज ओनली कंसर्न विद सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स. डिमांड इज कंसर्न विद सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स. ठीक है, सो दैट इज सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स. क्लियर? चले, so we are done up till here for today. Kal in Bruce Tuckman ka model start karenge. Theek hai, see you people tomorrow. Thank you. Allah Hafiz.